एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन के कोर्स में स्वागत करती हूं। हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो सी सेट में आपको पूछा जाता है, जो है लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें आपके 20 प्रश्न का वेटेज रखा गया है लैंग्वेज के लिए, जिसमें कभी 12 हिंदी 8 छत्तीसगढ़ी, कभी 15 हिंदी 5 छत्तीसगढ़ी, कभी 10 हिंदी 10 छत्तीसगढ़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जो आपका CGPSC का आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखते हैं तो 30 से 35 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न छत्तीसगढ़ी भाषा से थे। अब मेरे द्वारा आपको इस दोनों भाषाओं से संबंधित चर्चा, क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे हिंदी भाषा के संबंधित प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला प्रश्न है यहाँ स्क्रीन पर, जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। ऑप्शन है आपके क, च, ज, झ और छ। मैं आपको बता दूं कि तालव्य वर्ण क्या होता है, कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी कि हमारा जो टंग है, जीभ है, यदि वो तालु को स्पर्श करती है तो वहाँ पर वो वर्ण जो तालु को छूकर स्पर्श उच्चारण से प्रभावित होता है, उसे तालव्य कहा जाता है। प्रश्न में कहा है कि तालव्य का नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर क जो आपका दिया है यह तालव्य नहीं है, क्योंकि च, ज, झ और छ यदि हम कहते हैं तो च वर्ग के ये चार वर्ण हैं जो तालव्य की श्रेणी में आते हैं। जबकि हम यदि क की बात करें तो क, ख, ग, घ, अंगा ये कंठव्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि क का उच्चारण कंठ ध्वनि को छूकर उच्चारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, वह मोहन का घर है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब प्रश्न को समझने की प्रक्रिया ये होती है कि इसमें सर्वनामिक शब्द नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया गया है कि यह क्या व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, बी कहता है संबंध सूचक सर्वनाम, सी कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और डी कहता है निश्चित सर्वनाम। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर चर्चा के प्रश्न में विषय पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम है, मतलब आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताना है। वह मोहन का घर है, हम यदि इसकी बात करें कि मोहन का घर है तो निश्चित है कि वह किसका घर है, मोहन का घर है। यह और वह, दिस एंड दैट पर्सन जो पास या दूर के शब्दों को बताता है, तो वो सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो उसे निश्चित सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है डी, निश्चित सर्वनाम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा है कि न्यूनतम विशेषण की तुलना का कौन सा आधार है। अब विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है विशेषण, जिसमें गुण संबंधी विशेषता गुणवाचक, संख्या संबंधी विशेषता संख्यावाचक, मात्रा संबंधी विशेषता परिमाणवाचक होता है। अब कभी कभी हमारे द्वारा क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति के गुण किसी व्यक्ति से हम कंपैरिजन करने लगते हैं, अगर वह मूल रूप की अवस्था में है, सिर्फ विशेषता बताई गई है तो वह मूलावस्था कहलाती है। दूसरी हमारे लिए अगर हम बात करें तो इस पहली अवस्था को हम मूलावस्था कहते हैं, ठीक है, जहाँ सिर्फ एक गुण विशेष बताया जाए। दूसरी अवस्था हमारे लिए उत्तरावस्था कहलाती है, जब हम दो में कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर हमें सबसे ज़्यादा अगर हम अवस्था की बात करें तब ये हमारे लिए उत्तमावस्था कहलाती है। पहचानने का तरीका क्या है कि इस ऑप्शन में जो दिया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो न्यूनतम में विशेषण की तुलना का आधार है। सिंपल सी बात है कि यदि वो कहता है न्यून, ठीक है, तो यह उसकी पॉजिटिव डिग्री, मतलब कि हमारे लिए हुई मूल अवस्था। लेकिन किसी शब्द में यदि तर लग जुड़ जाता है, जैसे न्यूनतर, ठीक है, तो अगर किसी शब्द में तर जुड़ गया तो कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कि हमारे लिए वो
उत्तर अवस्था हो जाती है। और इसी तरह किसी शब्द में यदि तम जुड़ गया तो ये हमारे लिए उत्तम अवस्था हो जाती है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि शब्द के साथ में अगर कुछ नहीं जुड़ा तो मूलावस्था, यदि तर जुड़ा तो उत्तरावस्था, और यदि तम जुड़ा तो वो उत्तमावस्था कहलाती है। तो इसका आंसर होता है हमारे लिए डी, उत्तमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्जी चखकर बताओ कैसी बनी है। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया बताइए। ऑप्शन दिया है चखना, ऑप्शन बी है खाना, ऑप्शन सी है चखकर, ऑप्शन डी है बताना। अब क्रिया क्या है? किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए तो वह कहलाती है हमारे लिए क्रिया। यहाँ पर पूछा है कि पूर्वकालिक क्रिया, ऑब्सोल्यूट वर्ब, या हम कह सकते हैं वर्ब ऑलरेडी डन, मतलब कि पूर्वकालिक। जब हम बात करते हैं पूर्वकालिक की तो पूर्व का मतलब होता है पहले और कालिक का मतलब होता है कर लिया गया। यहाँ प्रश्न ने कहा है सब्जी चखकर बताओ कैसी बनी है। अब यहाँ पर दो क्रिया नजर आ रही है, एक तो क्रिया है बताना, दूसरी क्रिया है चखना। तो जिस वाक्य में कर्ता किसी एक कार्य को पूरा कर लेने के बाद उसी समय दूसरे कार्य को करने में जुट जाता है, तब कर्ता के द्वारा जो कार्य पहले कर लिया गया है वह उस कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि मूल धातु शब्द जैसे कि जा, चख, उठ, ये मूल धातु शब्द होते हैं। इसमें यदि एक प्रत्यय शब्द कर जुड़ा हुआ है वही उस कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया है। अब हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, चख कर। यहाँ सबसे बड़ी पहचान है कि अगर मूल धातु में कर प्रत्यय जुड़ा है वही उस कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, चख कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शायद वह बीमार है। वाक्य में काल पहचानिए। ऑप्शन दिया है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान काल, और ऑप्शन डी है अपूर्ण वर्तमान काल। कार्य के करने या होने के समय का बोध कराने वाला शब्द है हमारे लिए काल। सामान्य वर्तमान की बात करें तो ऐसी क्रिया जो सामान्य परिस्थिति में चल रही है वह है सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। पूर्णता का बोध अगर वर्तमान काल की समाप्ति हो जाए कार्य की तो वह पूर्ण वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है संदिग्ध। यदि वर्तमान काल की क्रिया में यदि हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं, डाउट करते हैं, तब वहाँ होता है हमारे लिए संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा ऑप्शन दिया है अपूर्ण वर्तमान की, ऐसी क्रिया वर्तमान में शुरू तो हुई थी परंतु पूरी नहीं हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रश्न ने क्या कहा है शायद वह बीमार है। वर्तमान काल की जो क्रिया है उस पर हम एक संभावना बता रहे हैं, शायद वह बीमार है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, संदिग्ध वर्तमान काल, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस, जहां हम शायद जैसे शब्द का बोध करा के या किसी कार्य की संभावना का बोध करा के प्रयोग करें तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कारक रचनाओं से। कारक रचना क्या होती है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित हो। अगर वह क्रिया से संबंध बता रहा है तो वह कारक रचना कहलाती है, लेकिन जिस चिन्ह से उसको संबोधित किया जाता है वो कारक चिन्ह या कारक विभक्तियां कहलाती हैं। क्वेश्चन में दिया है वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। हम कारक की बात करें तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और एक होता है
अधिकरण और लास्ट में आता है हमारे लिए संबोधन। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति विशेष होता है कर्ता, जिसका संज्ञा के अनुसार नाम, बदले में वो सर्वनामिक शब्द को इस्तेमाल कर सकता है जिसका कि वचन एक वचन वाला भी हो सकता है और बहुवचन वाला भी, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी पहचान है या तो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है उसका कर्म, इस कर्ता ने जिस कार्य को करने के लिए जो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, जो माध्यम है वो है करण। इस कर्ता ने जिस कर्म को करने के लिए किसी साधन या माध्यम का इस्तेमाल किया था, यदि वो किसी को डेलीगेट करता है, समर्पित करता है, तो वहाँ होता है संप्रदान। जब कोई कर्ता किसी कर्म को करने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल करता है जो उसने किसी को समर्पित कर दिए थे, यदि तुलना की जाए, यदि वहाँ भय प्रस्तुत हो या किसी अलगाव, पृथककरण का भाव, एब्लेशन का भाव फील होता है, तो वहाँ अपादान कारक होगा। जब इस कर्ता ने किसी कर्म को करने के लिए किसी साधन के द्वारा कार्य करके किसी को समर्पित कर दिए थे, जिससे डर और भय वजह से, तुलना की वजह से वो कर्ता से पृथक हो गई थी, तो कर्ता और क्रिया का जेनेटिव रीजन बताता है हमारे लिए संबंध। इन सबके कार्य के स्थान अधिकरण को बताता है हमारे लिए कार्य के करने का स्थान, इसको हम कहते हैं अधिकरण कारक विभक्ति। और वर्ता को वोकेशनली अगर हम उसे बुलाना चाहते हैं तो पुकारने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है संबोधन। मतलब कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रूमेंटिव, डेटिव, एब्लेटिव, जेनेटिव, लोकेटिव और ये होता है हमारा वोकेटिव। प्रश्न ने क्या कहा है, चिड़िया डाल पर बैठी है। सभी को बचपन से याद है कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा संप्रदान को, के लिए अपदान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण होता है में और पर, ठीक है। अब हम इसकी बात करें मैं और पर। यहाँ प्रश्न ने क्या कहा, डाल पर या वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। इसमें कारक विभक्ति की पहचान कीजिए कि इसमें प्रयोग होने वाले वाक्य में विभक्ति कौन सी है। तो वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया के बैठने का स्थान कहाँ है, वृक्ष पर। तो यहाँ हमारे लिए होता है ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है संबंध। वृक्ष के नीचे कहता है तो वो संबंध कारक होता, वृक्ष से चिड़िया उड़ गई कहता है तो वो अपादान कारक होता, और चिड़िया उड़ती है कहता तो वो कर्ता कारक होता। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा है कि वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, तो वो स्थान निर्धारित करके ऑप्शन बन गया आपका ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं गमन का विपरीत शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल किया जाएगा। प्रश्न है गमन का विपरीत बनाने हेतु प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अब एक उपसर्ग क्या होता है, उप का मतलब होता है करीब का, पास का, नज़दीक का या समीप का, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या उसका निर्माण करना। उपसर्ग के प्रयोग करने से शब्द में नयापन आता है, एक विशेष अर्थ प्रभावी होता है, कभी कभी शब्द एक नकारात्मक रूप भी धारण कर लेता है, क्योंकि प्रीफिक्स में कुछ नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं जिसके यूज़ करने से ऑपोजिट वर्ड्स को क्रिएट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर वन है आपके लिए उप, ऑप्शन नंबर बी है आ, ऑप्शन नंबर सी है नी, ऑप्शन नंबर डी है वी। प्रश्न है गमन, अगर हम गमन की बात कर रहे हैं तो गमन का मतलब होता है जाना, और विलोम बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे उपसर्ग में ऑप्शन नंबर बी आ धन गमन। यदि हम बात करें तब वो जाना का विलोम बनाएगा आना, इसलिए गमन का विपरीत क्या बनेगा, आगमन। और इस आगमन के लिए हमें कौन से उपसर्ग की आवश्यकता होगी, आ उपसर्ग की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि वर्तनी क्या होती है तो सब समझेंगे,
उच्चारण के स्वरूप लेखन की प्रक्रिया कहलाती है वर्तनी। सबसे पहली बात, भाषा की शुद्धता होती है मौखिक उच्चारण में। अक्षरशः वैज्ञानिक नियमों के अनुसार हमारी देवनागरी लिपि के उच्चारण स्थान है जब मुख के अंदर की इंद्रियों को छूकर स्पर्श करता है, जिसमें स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं। यदि हमारे उच्चारण में तनिक भी त्रुटि, गलती या मिस्टेक हो गई तो चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती, क्योंकि हिंदी में बच्चों एक बिंदी का फर्क होता है। जैसे मैं एक ज़रा सा छोटा सा एग्जांपल बताऊं, यदि आप चिंता लिखते हैं जिसमें छोटी ए की मात्रा में एक अनुस्वर लगा है, गलती से अगर आपने उस अनुस्वर को हटा दिया तब वह चिंता से उच्चारित होने लगती है चिता। अब देखा जाए तो चिंता का अर्थ हो जाता है परेशानी और चिता का अर्थ हो जाती है मृत्यु शैया पर लेटा हुआ एक शव। लेकिन यदि मात्रात्मक त्रुटि है, अगर इसी च में हम बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो यह जो चिता था, जो शव था, अब वो एक जानवर चीता का उद्बोधन करने लगता है। इसलिए हमारे लेखन में त्रुटि इसी वजह से होती है जब हमारे उच्चारण में गलती होती है। प्रश्न ने क्या कहा है, अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। मतलब ऑप्शन नंबर ए है समक्ष, ऑप्शन नंबर बी है किरण, ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वाद और ऑप्शन नंबर डी है भृत्य। ठीक है, इसमें से अशुद्ध वर्तनी ढूंढना है। आपके इस ऑप्शन में चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो हैं बिल्कुल शुद्ध वर्तनी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है किरण, अगर हम इसकी बात करें तो यह अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि किरण लिखा जाता है न कि किरण। उच्चारण भी देखिए, यह है किरण और यह है किरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी किरण, ये जो है हमारे लिए अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जिसमें हम प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर वन है घर, ऑप्शन नंबर बी है पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी है तितली और ऑप्शन नंबर डी है घोड़ा। मैं आपको बता दूं कि हिंदी में मुख्य तौर पर केवल दो लिंग माने जाते हैं, और लिंग क्या होते हैं, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है लिंग। जब हम लिंग की बात करें तो संस्कृत में निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा गया है। जब वो नपुंसक लिंग के शब्द हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं तत्सम से तद्भव परिवर्तन या तत्सम स्वरूप में, तो यहाँ आकर वो संस्कृत का न्यूट्रल जेंडर वाला वर्ड जो है वो मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, मतलब कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट दिया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर वन है घर, जो संस्कृत में गृहम कहकर नपुंसक लिंग है, परंतु हिंदी में घर कह के वह पुल्लिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी पुस्तक, पुस्तक ग्रंथ, ये हमारे लिए बात करें संस्कृत में तो नपुंसक लिंग है, लेकिन यदि हम पुस्तक की बात कर रहे हैं हिंदी के लिए तो हिंदी में पुस्तक भी हमारे लिए पुल्लिंग शब्द हो जाता है। तीसरा है घोड़ा और चौथा है तितली। तीसरा, यदि हम घोड़े की बात कर रहे हैं तो घोड़ा अश्व कहकर पुल्लिंग शब्द संस्कृत में भी है और हिंदी में है। और ऑप्शन नंबर डी हम बात करें तितली, ये तितली हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत् का मतलब होता है उसी के, तत्सम की हम बात करें तो तत् का मतलब होता है उसी के और सम का मतलब होता है समान। व्हेन संस्कृत वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी, दोज वर्ड्स विच वी टेक फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ संस्कृत यूज फॉर अवर लैंग्वेज हिंदी। हम कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों का हिंदी में हूबहू प्रयोग किया जाना तत्सम शब्द कहलाता है। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए चम्मच, ऑप्शन नंबर बी चणक, ऑप्शन नंबर सी चमेली और ऑप्शन नंबर डी चंपारण्य। यहाँ चणक ऑप्शन नंबर बी,
चणक है हमारे लिए तत्सम शब्द जिसका कि तद्भव बनता है चना। तो संस्कृत संबंधी तमाम शब्द जिसका इस्तेमाल हिंदी में संस्कृत के ही रूप में किया जाए तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। चम्मच हमारे लिए तत्सम नहीं है बल्कि ये हमारे लिए विदेशज शब्द है। चमेली एक पुष्प का नाम है जो तद्भव शब्द है और चंपारण्य एक स्थान विशेष का नाम है जो हमारे लिए एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्याय का मतलब होता है विकल्प। विकल्प कहाँ होंगे? जब हमारे पास चीज़ें तादाद में होंगी, ठीक है ना। वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ नेम बट वर्ड मीनिंग इज ओनली वन, दैट कॉल पर्यायवाची शब्द। पर्याय का मतलब है विकल्प, कि एक ऐसा शब्द जिसके विकल्प के तौर पर बहुत सारे नाम हो और बहुत सारे नाम होकर भी अगर वो एक ही अर्थ की ओर प्रस्तुत करता है तो उसे कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन है आपका रजनीश, ऑप्शन नंबर डी है मया, बी है मयंक, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सूर्या। रजनीश, मयंक, शशि, रजनीचर यदि हम बात करते हैं तो ये सारे हमारे लिए चांद चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन हम सूर्या की बात करें तो रवि, आदित्य, दिनकर, भानु, इसको बताने वाले शब्द का स्त्री सूचक है सूर्य से सूर्या, जो आदित्य अर्थात सूर्य को संबोधित करता है। और प्रश्न ने पूछा है कि चंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, मतलब कि रजनीश और मयंक दोनों आपके चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची को याद कैसे किया जाए? आपको बड़ी दिक्कत होती है पर्यायवाची को याद करने के लिए, तो पर्यायवाची को याद करने का तरीका है कि जो उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जिसका लंब उधर है, जो गज के समान आनन वाला है, जो गौरी का पुत्र है, जो शिव को प्रिय है, जिसे मोदक पसंद है, जो मूषक उसका वाहन है। अगर हम इसे वर्ड तोड़कर हम उसको समझने की कोशिश करें तो आप ध्यान से समझेंगे कि सभी गणपति के पर्याय हैं, और ऐसे ही याद करने से पर्यायवाची शब्द जो हैं वो याद हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। अब आपको बता दें कि ये यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो इसे हम ज्वाइंट वर्ड्स कह सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं कंबाइंड वर्ड्स, मतलब कि यौग के द्वारा, मेल के द्वारा बना यौगिक। जहाँ दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर दो भाग में विभक्त किया जा सके, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं हमारे लिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की प्रक्रिया हम देखें तो या तो हम संधि की प्रक्रिया से उसे बना सकते हैं, ठीक है, जैसे पाठशाला, हम चाहें तो पाठ और शाला को अलग अलग भाग में विभक्त कर सकते हैं। जब हम चाहें तो समास की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम समास में बात करें जैसे माता पिता, तो माता और पिता दोनों को विभक्त किया जा सकता है। जब प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं जैसे कड़वाहट में, कड़वा में आहट प्रत्यय लगा दिया जाए तो कड़वा और आहट अलग हो गए। और इसी तरह अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग दिन शब्द से अलग किया जा सकता है। अर्थात यौगिक शब्द क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द जिसे दो भाग में विभक्त किया जा सके, जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय की प्रक्रिया से बनकर आया हुआ सामान्य सा शब्द होता है उसे यौगिक कहते हैं। और ऑप्शन दिया है समक्ष, पानी, नाक और विद्यालय, जिसका आंसर है विद्यालय। समक्ष की बात करें तो यह एक रूढ़ शब्द है, पानी की बात करें तो ये भी हमारे लिए रूढ़ शब्द है, और नाक की बात करें तो ये हमारे लिए रूढ़ शब्द है। अब आपका दिमाग कहता है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ट्रेडिशनल वर्ड्स क्या होते हैं, कि स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाला ऐसा शब्द जिसे दो भाग में विभक्त नहीं किया जा सकता, जिस परंपरा के नियम से बंधे थे वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ कहा जाता है। तो ये जो तीन ऑप्शन दिए
हैं आपके ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपके हमारे लिए यौगिक नहीं बल्कि रूढ़ हैं। जबकि हम विद्यालय की बात करें तो विद्या धन आलय, मतलब ये हमारे लिए संधि की प्रक्रिया से बनकर आया हुआ शब्द है, विद्या धन आलय। हम ये दो शब्दों को अलग कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए विद्यालय यौगिक शब्द की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से पृथक प्रत्यय से निर्मित शब्द को बनाइए बताइए। पहला है कड़वाहट, बी है आपका दिखावट, सी है सजावट और ऑप्शन डी है आपका लिखावट। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन जिसमें आपके पहले प्रयोग जिसका नाम है कड़वाहट। ठीक है, कड़वाहट में हमारे पास देखा जाए तो कड़वा धन आहट का इस्तेमाल किया गया है। बाकी हम यदि दिखावट कहते हैं तो आपका लास्ट ऑप्शन देखें, यहाँ हट जुड़ा है और यहाँ वट जुड़ा है। तीन ऑप्शन जो आपके दिए हैं, सजावट तो वहाँ पर आवट प्रत्यय है, दिखावट में भी आवट प्रत्यय है, लिखावट में भी आवट प्रत्यय है, लेकिन कड़वा हट कहता है तो यहाँ भिन्न प्रत्यय वाला शब्द, भिन्न प्रत्यय वाला शब्द हमारे लिए कड़वाहट होगा। और प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में एक नयापन विकार या रूपांतर उत्पन्न करने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। इस प्रत्यय के प्रयोग से हम भाववाचक संज्ञा या स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं और विशेष अर्थ वाले शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, अभ्युदय की संधि बताइए, अभ्युदय शब्द की संधि बताइए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए यड़ स्वर संधि, ऑप्शन बी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर संधि और ऑप्शन डी गुण स्वर संधि। इस अभ्युदय की संधि होती है हमारे लिए यण स्वर संधि, जो ऑप्शन नंबर ए है। ये यण स्वर संधि कैसे हुआ, पहले मैं आपको बता दूं, दो स्वरों के मिलने से जब स्वर वर्ण में कोई विकार उत्पन्न होता है तो वह संधि कहलाती है स्वर संधि। दो वर्णाक्षरों का परस्पर मेल होती है संधि, दो स्वरों का मेल है स्वर संधि। स्वर और व्यंजन या दो व्यंजनों का वर्ण मिलकर व्यंजन में कोई परिवर्तन उत्पन्न करे तो व्यंजन संधि, और विसर्ग से स्वर और व्यंजन के मिलने से विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो वो हमारे लिए विसर्ग संधि कहलाती है। यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो चारों ऑप्शन जो है वह स्वर संधि से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यदि हम अयादि की बात करें तो अयादि होते हैं कि वृद्धि स्वर संधि के नियम को यदि पलट दिया जाए तब निर्मित होती है अयादि स्वर संधि। गायक नायक यदि हम कहते हैं, नयन कहते हैं, पावन कहते हैं, जिस प्रकार नायिका कहते हैं, तो ये अयादि स्वर संधि होते हैं। दो स्वर मिलकर यदि दीर्घ की मात्रा में बदल जाए तो दीर्घ स्वर संधि होता है, जैसे कि विद्यालय, जैसे कि रजनीश, जैसे कि यदि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर रजनीश मुनीश विद्यालय कह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह गुण का मतलब है टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर, कि दो अलग अलग वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं तो हमारे लिए गुण होता है। लेकिन अभ्युदय की यदि हम बात कर रहे हैं तो गुण स्वर संधि को पलट दिए जाने से हमारे लिए यण स्वर संधि का निर्माण होता है। अगर हम इसके विच्छेद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभि धन उदय, ठीक है, अब यहाँ से अभी की बात करें तो भ में यहाँ पर हमारे लिए छोटी ई की मात्रा है और यहाँ से है हमारे लिए उदय। होता क्या है कि पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर और दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर। यण स्वर संधि का नियम है कि जब ई से ऊ मिलता है तो ईयु का निर्माण होता है, इसलिए अब यहाँ से हमारे पास बचा अभ यु द य। ठीक है, अब नियम ये है वर्तनी के अनुसार कि यदि किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक हलंत वाला व्यंजन वर्ण आता है तो बगैर स्वर का व्यंजन कभी भी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए भ आधा हो गया और
हमने एग्जाम्पल देखा अभ्युदय। इसलिए अभ्युदय में यह जो गुण नियम है यह इस्तेमाल होते हैं यण स्वर संधि के, इसलिए यहाँ पर यण स्वर संधि लिया गया है जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इच्छा स्वरूप रूप धारण करने वाला, इच्छा के स्वरूप रूप धारण करने वाले के लिए कौन सा वाक्यांश होगा। ऑप्शन नंबर ए है बहुरूपिया, ऑप्शन नंबर बी है कलाकार, ऑप्शन नंबर सी है कामदेव और ऑप्शन नंबर डी है कामरूप। ठीक है, बहुरूपिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी काम रूप। ठीक है, तो यहाँ पर बहुरूपिया क्यों नहीं होगा, बहुत से रूप हो जिसके वो है बहुरूपिया। ठीक है, अपनी कलाओं के अनुसार लोगों का अगर मनोरंजन करता है तब वो कहलाता है कलाकार। कामदेव जो रति के पति हैं, जो इच्छा स्वरूप काम वासनाओं से परिपूर्ण हैं, जिनके रूप सौंदर्य यौवन है, उनके देवता हैं कामदेव, इसलिए वो एक इष्ट विशेष हैं। इसलिए और काम रूप कहा तो इच्छा के अनुसार जिस तरह काम है उसके कार्य है उसके अनुसार अपने रूप धारण करता है, इसलिए उसे काम रूप कहा जाता है। और इस तरह हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन में है कि आंख का नाम अंधा, नाम नयन सुख। यह मुहावरा है कि आंख का अंधा, नाम नयन सुख। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ऑप्शन दिया है एक ही व्यक्ति में कई अवगुण का होना, गुण के विपरीत नाम का होना, आंख ना होने पर भी सुखी होना और केवल नाम के होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। इस मुहावरे का अर्थ है बी गुण के विपरीत नाम। कैसे कि आंख का अंधा, नाम नयन सुख, की आंखें हैं लेकिन वो आंखों से देख नहीं पाता, लेकिन उसका नाम जो है नयन सुख वह उस नाम के बिल्कुल विपरीत बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम ले सकते हैं आपके समास से, तन मन धन में कौन सा समास है, तन मन धन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु और ऑप्शन नंबर फोर है तत्पुरुष समास। जिस समास के दोनों पक्ष की प्रधानता हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, वहां होते हैं द्वंद्व समास। कभी कभी इस द्वंद्व समास में हमारे लिए तीन शब्द भी, कभी कभी चार शब्द भी ले लिए जाते हैं। इस तरह यदि हम बात करें तन मन और धन, इसमें सारे शब्द पदों की प्रधानता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास इसका उत्तर होगा। इस तरह हिंदी के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में मैंने आपको व्याकरण से संबंधित चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।